अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम इज द पीपल आई लव, वो लोग जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ, वो लोग जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स, हाउ इज दिस लिंक टू द ग्रुप फोटो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा है, F A M I L Y, फैमिली, और ये इस ग्रुप फोटो के साथ किस तरह लिंक है। तो ये फैमिली रिटन है और ये फैमिली फोटो है। नीचे है लेट्स टॉक रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने कहा है कि नीचे दो पीपल की कन्वर्सेशन है, आप लोग उसको पढ़ें और उसकी मश्क करें। तो ये देखें डायलॉग हमारा किसके दरमियान है, अली एंड टीचर के दरमियान है। अली, टीचर माय ग्रैंड मदर इज कमिंग होम। टीचर, आज मेरी दादी जान घर आ रही हैं। टुडे का मतलब होता है आज, फ्रॉम कराची, कराची से। आज मेरी दादी जान कराची से घर आ रही हैं। टीचर, दिस इज गुड न्यूज, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। यू लुक सो हैप्पी, तुम बहुत खुश नजर आते हो। अली ने आगे से रिप्लाई किया, शी इज गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट, वो तोहफे ला रही है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। आई कांट वेट, मुझसे इंतज़ार नहीं होता एनी मोर, और ज़्यादा मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। टीचर, इट सीम्स, ऐसा लगता है, शी लव्स यू अ लॉट, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। एंड टेक्स गुड केयर ऑफ यू, और आपकी बहुत देखभाल करती हैं। यस टीचर, जी बिल्कुल। शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती हैं विद माई वर्क, मेरे काम में टेल्स और बताती हैं मी स्टोरीज, कहानियाँ सुनाती हैं। वो मेरी कामों में मदद करती हैं, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। एंड टेक्स मी टू द स्लाइड्स, मुझे स्लाइड्स पर लेके जाती हैं। स्लाइड्स हम लोग कहते हैं जो पार्क्स में होती हैं वहाँ। एंड स्विंग्स, और झूलों पर लेके जाती हैं। इन द पार्क, पार्क में। वो काम में मेरी मदद करती हैं, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं, और मुझे पार्क लेके जाती हैं स्लाइड्स और झूलों पर। ऑल स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स ने आगे से रिप्लाई किया है, ओ ग्रैंड मदर्स आर सो फुल ऑफ लव, जो दादी जान होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। नेक्स्ट है माई हैप्पी होम, मेरा पुरमसरत घर। हैप्पी का मतलब होता है खुश। प्री रीडिंग में क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट इज नेम योर फैमिली मेम्बर्स हु लिव इन योर होम। उन्होंने कहा है कि आपके घर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपने फादर के बारे में, फिर मदर, और फिर सिबलिंग्स, हमारे बहन भाइयों के बारे में। अगर आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो आप उनका भी जिक्र यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट इज होम डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। आई लाइक माई मदर दी मोस्ट बिकॉज शी इज़ वेरी काइंड टू मी। नेक्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है माई नेम इज़ बानो, मेरा नाम बानो है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, मैं एक छोटे घर में रहती हूँ। आई कॉल इट अ हैप्पी होम, मैं उसे एक पुरमसरत घर कहती हूँ। आई हैव वन एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन है, एंड अ ब्रदर, और एक भाई है, हु इज यंगर टू मी, जो मुझसे छोटा है। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ अस, मेरे वालदैन हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस, हमारे जो दादा अबू और दादी अम्मी हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुशी महसूस करते हैं। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। आवर अंकल्स, हमारे चचा जान, आंट्स, चचियाँ, एंड कजन्स, और हमारे कजन्स कम एंड मीट अस, आते हैं और हमसे मिलते हैं। वी आल्सो गो, हम भी जाते हैं, एंड विजिट, और उनसे मुलाकात करते हैं। ऑन द वीकेंड्स, वीकेंड हम भी किससे कहते हैं बच्चों, वीक हम लोग कहते हैं वीक डेज को, यानी कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उन्हें वीकेंड्स कहते हैं। हफ्ते के इख्तिताम को, वी आल्सो गो एंड विजिट देम ऑन द वीकेंड, हम भी उनके यहाँ जाते हैं और हफ्ते के इख्तिताम पर उनसे मिलते हैं। और ड्यूरिंग वेकेशंस, या तो तातीलात में जब हमें छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, या तब उनके पास जाते हैं। इट इज ऑल फन, ये सब तफरी है। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उसने क्या बताया है, उसमें हमें बताया गया है माय हाउस हैज 3 रूम्स, मेरे घर के 3 कमरे हैं, किचन और एक किचन है, एंड अ फैमिली रूम, और एक दीवान खाना भी है। देयर इज अ स्मॉल गार्डन, वहाँ पर एक छोटा बाग है। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मेरे घर के सामने एक छोटा बाग है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों को पानी देना अच्छा लगता है। इन द इवनिंग, शाम में, मुझे शाम में पौधों को पानी देना अच्छा लगता है। आई आल्सो कीप अ वाइट किटन एज अ पेट, किटन हम लोग कहते हैं बिल्ली के बच्चे को,
उसने लिखा है कि मैंने एक किटन बिल्ली का बच्चा भी पालतू जानवर के तौर पर पाला हुआ है। आई कॉल इट किटी, मैं उसे किटी कहती हूँ। वाइल्ड रीडिंग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास एक पेट है? यस आई हैव अ पेट डॉग। व्हाट इज इट्स नेम, उसका नाम क्या है? इट्स नेम इज पॉल। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? माई ग्रैंड फादर टेल्स मी दैट अ हैप्पी फैमिली, मेरे दादाजान मुझे बताते हैं कि एक पुरमसरत खानदान के लिए होम घर सपोर्ट चिल्ड्रेन, सपोर्ट का मतलब होता है उनकी हमायत करना, सपोर्ट चिल्ड्रेन बच्चों की हमायत करते हैं एंड हेल्प मदद करते हैं देम टू ग्रो उनको बढ़ने में एंड इन देयर एबिलिटीज, उनकी सलाहितों में स्किल्स और महारतों में। स्किल हम लोग कहते हैं जब हम लोग काम रेगुलर करते हैं तो हम उसमें स्किलफुल हो जाते हैं, वो हमारी महारत बन जाती है। मेरे दादाजान मुझे बताते हैं कि एक पुरमसरत खानदान के लिए, एक पुरमसरत घर के लिए जो हैं लोग वो अपने बच्चों की महारतों और सलाहियतों को बढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात भी बहुत ज़रूरी है, टू लिसन, सुनना टू आर पेरेंट्स, अपने वालदेन को एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा जान और दादी जान को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन दे टेल अस, जब हमें बताते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, ज़रूरी बातें, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमें ज़रूरी बातें बताते हैं। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, ये वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए एंड अ फ्यू थिंग्स, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वी शुड नेवर डू, जो हमें नहीं करनी चाहिए एज फैमिली रूल्स, घरों के असूलों के लिए, कुंबे के असूलों के लिए, खानदान के असूलों के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानदान के असूलों के तौर पर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ऑलवेज, हमें कौन से काम करने चाहिए, दूसरी साइड पर नेवर जो नहीं करने चाहिए। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, घर में जो लोग हम सबकी इज्जत करें। सेकेंड इज हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप दी हाउस क्लीन एंड टाइडी, क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा रखना, हमें अपने वालदेन की घर को साफ सुथरा रखने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट इज शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, अपनी जो रूटीन है रोज़मर्रा की जो है उसको अपने वालदेन के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए। नेवर में सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी लोग हैं उनसे बात ना करें। स्ट्रेंजर कौन से लोग होते हैं? स्ट्रेंजर आर दोज पीपल्स हुम वी डोंट नो, स्ट्रेंजर वो लोग होते हैं अजनबी लोग जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिनसे पहली बार मिलते हैं। सेकंड पॉइंट इज डू नॉट एक्सेप्ट टी टेबल्स और गिफ्ट्स फ्रॉम देम, उनसे ना तो खाने के लिए कोई चीज़ लें ना ही उनसे तहाइफ लें। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट गो आउटसाइड योर होम, अपने घर के बाहर ना जाएं विदाउट परमिशन, इजाज़त लिए बगैर अपने घर से बाहर ना जाएं। पोस्ट रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक बानो टेल अस अबाउट योर फैमिली, कहा है कि बानो की तरह अपनी फैमिली के बारे में बताना है, तो आपने अपने फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स का बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर होम इन अ फ्यू सेंटेंस, अपने घर के बारे में हमने लिखना है तो हम लिखेंगे माय हाउस इज अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, इट हैज टू रूम्स, अ किचन एंड अ लिविंग रूम, ऑल द रूम्स आर एयरी एंड वेल लिट, आई लव माय हाउस वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले है लर्निंग द साउंड, यानी कि हम आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। उन्होंने कहा है प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस द वीक साउंड ऑफ हैज एंड हैव, उन्होंने कहा है कि हैज और हैव के वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है, यानी कि उसकी कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग आवाज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। हैज बच्चों जो हैज हमारे पास लगता है ही शी इट एंड दे के साथ, और जो हैव होता है वो हमारे पास लगता है दे के साथ, वी के साथ। हम जो है इनकी वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म के साथ नेगेटिव फॉर्म यानी कि नॉट वाली भी देखेंगे। इन कंट्रैक्शन 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 हम इस साइन को कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैव यू गॉट अ गुड बुक, क्या आपको एक अच्छी किताब मिली है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में देखें यस आई हैव, नो आई हैवेंट, और ये देखें कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई है। हैज शी गॉट टू सिस्टर, क्या उसकी दो बहन है। यस शी हैज, जी उसकी है। नो शी हैजंट, नहीं उसकी नहीं है। हैव दे ईटन देयर लंच, क्या उन्होंने अपना खाना खा लिया। यस दे हैव, जी उन्होंने खा लिया। नो दे हैवंट, नहीं उन्होंने नहीं खाया। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन साइन के बारे में हम लोग सीखेंगे। एक्सक्लेमेशन साइन ये होता है, उन्होंने लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क शो द मूड एंड इमोशंस, उन्होंने लिखा है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमारे मूड और हमारे जज्बात के बारे में बताते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है बानोज टॉय इज ब्रोकन। अगर बानो का टॉय टूट गया है तो वो क्या हो गई? वो सैड हो गई, यानी कि अलास। नेक्स्ट इज अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। अली साइकिल से गिरा और उसका टखना टूट गया। इसमें हमारे पास क्या आएगा? ओ दिस वन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान हैज वॉन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। जो पाकिस्तान है उसने इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत लिया है, तो इसमें हमारे पास आएगा हुरा। वाओ हम लोग कहते हैं जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं अपने फीलिंग्स के लिए। लर्निंग टू स्पीक हम बोलना सीखेंगे। उन्होंने कहा है कि अपनी फैमिली के बारे में हमने बताना है। सबसे पहले अपना नेम बताना है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी, आपका फेवरेट खाना कौन सा है, आपके पास पेट है, आपके पास कितने टॉयज हैं, आपको कौन सी गेम खेलना पसंद है और फैमिली रूल्स। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माई नेम इज अहद। द नेम्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर डॉक्टर हरून, फातिमा एंड हसन। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। चिकन बिरयानी इज माई फेवरेट फूड। आई हैव अ पेट डॉग, इट्स नेम इज पॉल। आई हैव आल्सो मैनी टॉय कार्स। आई लव टू प्ले क्रिकेट। हाउएवर आई ऑलवेज फॉलो ऑल माई फैमिली रूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है रीड अलाउड, यानी कि ऊंचा पढ़ें। जो पोइम दी है वो पोइम लिखनी है बच्चों। ही हमारे पास द फिंगर फैमिली पोइम है, ये देखें फिंगर के ऊपर उन्होंने कार्टून बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डैडी फिंगर वेयर आर यू। डैडी फिंगर वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? हेयर आई एम, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? मम्मी फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। ब्रदर फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। सिस्टर फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। बेबी फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। नेक्स्ट है हमारे पास साइट वर्ड्स, लर्न टू स्पीक द वर्ड्स फ्लुएंटली। उन्होंने कहा है कि रवानगी से जो लफ्ज़ है उनको पढ़ना सीखें। जैसे हमारे पास कौन सा वर्ड सबसे फर्स्ट वन इज हैप्पी, होम, हाउस, स्किल। हैप्पी का मतलब होता है खुश, होम का मतलब होता है घर, हाउस का मतलब हमारे पास होता है मकान और स्किल का मतलब होता है महारत। नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ हैप्पी फैमिली। एक पुरमसरत घर क्या है, एक पुरमसरत खानदान क्या है? अ होम इन विच ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव हैप्पीली एंड हैव लव फॉर वन अनदर इज अ हैप्पी होम। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन। जो खानदान के लोग हैं वो बच्चों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं? द फैमिली कैन प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन बाय मेकिंग सम फैमिली रूल्स। What will happen if we leave home without permission? अगर हम घर बिना इजाजत, बगैर इजाजत के घर से चले जाते हैं तो क्या होगा? If we leave home without permission, we may get into trouble, even we may be kidnapped by some criminals. Next is vocabulary building. उन्होंने हमें कुछ words दिए हैं। उन्होंने कहा है इसमें कितने syllable हैं, कितनी beats हैं, वो लिखनी है, उनके meaning लिखनी है। सबसे first is vacation. Vacation हम लोग कहते हैं छुट्टियों को। तो इसमें कितनी बीट्स हैं? वी ए सी ए टी आई ओ एन, 3 बीट्स हैं। हॉलीडेज यानी कि छुट्टियाँ। लिविंग रूम, इसमें हमारे पास 3 बीट हैं, एल आई वी आई एन जी आर डब्ल्यू एम, रूम। लिविंग रूम हम लोग कहते हैं बच्चों बैठक को, यानी कि सिटिंग और ड्राइंग रूम। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, 3 सिलेबल हैं। टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत करने को। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है इम्पोर्टेंट। तो इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें 3 सिलेबल हैं, इम्पोर्टेंट, 3 सिलेबल। इम्पोर्टेंट कहते हैं ज़रूरी, नेसेसरी और ग्रेट वैल्यू। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर हम लोग कहते हैं अजनबी को। तो इसमें हमारे पास 2 बीट हैं, स्ट्रेंजर्स। पीपल होम वी डोंट नो, वो लोग जिन्हें हम जानते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू स्पेल, यानी कि स्पेलिंग सीखेंगे। तो इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने वर्ड्स जो हैं उनको जॉइन करना है। माउंटेन यहाँ लिखना है, माउंटेन। नेक्स्ट इज डार्कनेस, डी आर के एन एस डबल एस यहाँ लिखना है, एल ई डबल टी आर लेटर यहाँ लिखना है, ग्रामर यहाँ लिखना है, पर्सन यहाँ लिखना है।
नेक्स्ट ग्रामर कॉन्ट्रैक्शन इस साइन को कहते हैं. उन्होंने कहा है हैव इज यूज्ड विद आई वी यू एंड दे. आई वी यू एंड दे के साथ हैव लगेगा और हैज लगता है ही शी इट के साथ. तो यहाँ पे आई हैव इटन एन एप्पल, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्शन यूज करें आई हैव इटन एन एप्पल. वी हैव लाइक द गेम, तो अगर हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करें तो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको वी हैव. इस तरह लिखने की बजाय हम लिखेंगे हैव, कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे वी हैव, तो लाइक द गेम सेम एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. यू हैव पूरा नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. दे हैव गॉन होम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे कॉन्ट्रैक्शन हैव गॉन होम. He has written a letter. इसको हम किस तरह लिखेंगे, He has written a letter. Next हमारे पास जो है वो नेगेटिव की एग्जाम्पल्स हैं. I have not eaten an apple. I haven't eaten an apple. You have not liked the game. You haven't liked the game. You haven't liked the game. You have not finished your work. You haven't finished your work. They have not gone home. They haven't gone home. He has not written a letter. He hasn't written a letter. She has not taken a part in the game. She hasn't taken a part in the game. It has not flown away. It hasn't flown away. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन. उन्होंने कहा है कि नीचे आपको कुछ हदायत दी गई हैं, उनको आपने फॉलो करना है. सबसे फर्स्ट वन इज पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज एंड कलर देम रेड. उन्होंने कहा है कि चेरी के गिर्द आपने सर्कल लगाना है और उसे रेड कलर करना है. सर्कल लगा के हम इसमें रेड कलर कर देंगे. सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज पुट अ स्केल अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन. जो एप्पल है उसको हमने करना है स्केयर और उसमें ग्रीन कलर कर देना है. थर्ड इज ड्रॉ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी. हमने लेमन से स्ट्रॉबेरी तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. तो लेमन हमारे पास कहाँ पर है, बिल्कुल एप्पल के साथ. इसकी लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रॉबेरी के साथ. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कलर फोर ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड थ्री ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन. थ्री को हमने करना है ग्रीन, वन टू थ्री, और फोर को पर्पल करना है. इसमें आपने पर्पल कलर करना है. पर्पल मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ब्लू कर रही हूँ. नेक्स्ट इज draw a line from the pier to the beach. Pier से beach तक एक line draw कर देनी है. Next is color the beach any color you want. Beach को हमने किसी भी color में कर देना है. नेक्स्ट इज कलर द स्ट्रॉबेरी रेड. जो स्ट्रॉबेरी है उसमें रेड कलर कर देना है. नेक्स्ट इज कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकली ग्रीन. तो जो है हमने ग्रीन कलर लिया, ब्रोकली में ग्रीन कलर कर देना है, और लेमन में उन्होंने कौन सा कहा है येलो, तो येलो कलर लेंगे और लेमन में कर देंगे. आपने नीट एंड फुल कलर इसमें करना है. नेक्स्ट इज कलर द पियर वाइट ग्रीन.
लास्ट इज ड्रा अ ब्लू सर्कल अराउंड योर फेवरेट फ्रूट, तो अपने फेवरेट फ्रूट के गिर्द हमने ब्लू सर्कल लगाना है। एक्टिविटी कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द जेंडर, उन्होंने कहा है कि आपने जेंडर को क्लासीफाई करना है, बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा ए बी सी कॉलम में। When a word does not show male or female gender, it is neutral gender. ने कहा है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है जो कि ना के फीमेल ना मेल, मतलब ना वो मुज़क्कर और ना वो मुअन्नस है, तो वो हमारे पास न्यूट्रल होगी। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, डॉक्टर, चिकन, शिप, डिशेज, ये हमारे पास उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। वर्ड बैंक में हमारे पास डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं। स्टूडेंट्स जिनको मैं रेड करूंगी वो आपने यहाँ लिखने हैं, जिनको मैं ब्लू मार्क करूंगी वो आपने यहाँ लिखने हैं, और जिनको मैं ग्रीन मार्क करूंगी आपने उनको ऑब्जेक्ट्स में लिखने। सबसे पहले जो रेड में लिखने हैं उन्हें मार्क कर लेते हैं। रेड में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, जो मेल हैं, ब्रदर, नेफ्यू, फादर, अंकल, प्रिंस, सन, हॉर्स, ग्रैंडफादर, डॉक्टर। ये जो वर्ड मैंने रेड से मार्क किए हैं आपने वन बाय वन यहाँ पे राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम जो है फेमिनाइन यानी कि मोनस ढूंढेंगे, तो इसमें मोनस वर्ड कौन से, मैं उनको ब्लू से मार्क करूंगी। आंट, नीस, डॉटर, सिस्टर, मदर, हैन, गूस, मेयर। ये जो वर्ड मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हैं वो आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ें कौन सी हैं हमारे पास इनमें से, तो अगर हम देखें बेड्स, बुक्स, बोर्ड, जो ग्रीन से तीन लाइन हाईलाइट किए हैं वो यहाँ राइट कर लेने हैं। अगर हम बुक बैंक को चेक करें तो अभी भी इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी ब्लॉक में नहीं गए। कौन कौन से हैं इसमें, कज़न एंड चिकन, चिकन, कज़न। तो जो ये मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं बच्चों, ये कॉमन जेंडर हैं। हाँ, यहाँ पे आपने लिख लेना है कॉमन जेंडर, जी एन जी आर। इसमें हमारे पास कौन से दो वर्ड हैं, चिकन, सेकंड इज कजन। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग यानी कि राइट। नेक्स्ट पोर्शन इज राइटिंग, लर्निंग टू राइट यानी कि हम लिखना सीखेंगे। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने कहा है राइट द डायरेक्शन टू योर होम यानी कि उन्होंने घर की तरफ डायरेक्शन, अपने घर की तरफ जो हमारे हैं रास्ता जाता है वो बताना है स्कूल के मेन गेट से। उन्होंने कहा है कि आप जो साइड पे साइंस दिए हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो हम साइंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज टर्न लेफ्ट, वॉक स्ट्रेट, सीधा चलें, क्रॉस द रोड, सड़क पार करें या सड़क मत पार करें, कंटिन्यू टू वॉक, चलते रहें, इंटर द स्ट्रीट, गली में दाखिल हों, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट फ्रॉम द सेकेंड थर्ड स्ट्रीट, जो है आपने दूसरी तीसरी गली से टर्न लेना है, लेफ्ट भी हो सकता है राइट, और फिर अपने घर का गेट का कलर बता देना है। तो अगर हम इसमें लिखें तो हम इसमें अपने घर के इंस्ट्रक्शंस किस तरह लिख सकते हैं, टर्न लेफ्ट एट द स्कूल मेन गेट, वॉक स्ट्रेट, टर्न राइट फ्रॉम द सेकंड स्ट्रीट, कंटिन्यू टू वॉक, सून यू विल सी अ वाइट टू स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज माय हाउस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग। उन्होंने कहा है कि आपने जिस तरह बानो ने डिस्कस किया है उसको पढ़ें, उसके बारे में लिखें। बानो हैज डिस्क्राइब्ड हर हैप्पी होम एंड हैप्पी फैमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, शी डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक। सबसे फर्स्ट टॉपिक में उसने क्या डिस्कस किया था, उससे हमने फैमिली को डिस्कस किया था, वो कहाँ रहते हैं उसने पहले पैराग्राफ में ये बताया था। सेकंड टॉपिक में उसने लिखा था उसके घर में कितने कमरे हैं और जो है उसकी ड्यूटीज, उसके जो है फराइज वो क्या हैं। थर्ड टॉपिक में उसने कुछ रूल्स बताए थे जो हमें फॉलो करने चाहिए और कुछ नहीं जो करने चाहिए। ठीक है, ये तीन जो है चीज़ें उसने लहदा लहदा पैराग्राफ में बताई थी। अगर हम इस तरह अपनी फैमिली के बारे में लिखें या बानो की फैमिली के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं बानो लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हर फैमिली, शी हैज एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर, हर पेरेंट्स आर वेरी काइंड टू देम,
Her grandparents also live with them. They are a happy family. Her house has three rooms, a kitchen and a family room. Bano likes to water the plants in her small garden. She follows all her family rules. She knows that these family rules are very important to her. नीचे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा है कलेक्टिंग बर्थडे ऑफ द फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कहा है कि आपने अपनी फैमिली की तारीख पैदाइश के बारे में जो नीचे चार्ट है उसको फिल करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम लिखना है। सपोज आप अपने फादर के बारे में लिख रहे हैं, आपने सबसे पहले यहाँ अपने फादर का नेम लिखना है। रिलेशन उनके साथ क्या है, फादर। सबसे पहले उन्होंने कहा है कैलेंडर मंथ एंड डेट्स। सबसे पहले आपने मंथ लिखना है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ्स के स्पेलिंग लिखे हैं। आपने यहाँ से मंथ उनका नोट कर लेना है और यहाँ से स्पेलिंग राइट करनी है। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं मार्च, सबसे पहले मंथ, उसके बाद हम लिखेंगे डेट, उसके बाद कॉमा, और लास्ट पे हम लोग लिखेंगे ईयर जिसमें उनकी पैदाइश हुई है। फिर आएगा मदर का नाम, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपके बहन भाई। इसी तरह आपने ये चार्ट कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक पे। लास्ट इज टंग ट्विस्टर, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक फ्रेज दी गई है, उसको जल्द अज जल्द पढ़ें और प्रैक्टिस करें। A big black bug bit a big black dog on his big black nose. आपने इसको try करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने इसको कितना fluently, कितनी अच्छे से बोला है। इसी के साथ जो हमारा chapter है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी question, कोई भी query है तो do ask me in the comment section. Till next video, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।